में आजकल मिलता है बेल्जियन वॉफल, मतलब एक रास्ते पे दो दो बेल्जियन वॉफल के दुकान, आमने सामने बेल्जियन वॉफल, वहां बेल्जियन वॉफल, यहाँ बेल्जियन वॉफल, दोनों तरफ मतलब बेल्जियन वॉफल के लेकिन दुकान। इंडिया में जो माहौल है मेरे हिसाब से, तो तेरे एक बिजनेस आइडिया दूं तेरे को, तू तो तीसरा दुकान खोल ले, बेलगाम वॉफल्स, वहां लोग ज्यादा आएगा। मेक इन इंडिया। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, और फिर उसके पीछे हिस्ट्री भी बन जाएगी ना कि वॉफल्स पर एक्चुअली हम ही ने शुरू किए थे। हाँ सॉरी, फल वैसे आता है उस भाई एंड में, फल आता है, हाँ सीताफल, वॉफल, वॉफल, वॉफल है वो। रामफल से। वैसे इट सीम्स वॉफल्स यूज्ड टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द रोमन टाइम्स, ये मैं उसमें सुना था, स्टफ यू शुड नो में उन लोगों ने एक एपिसोड किया दे वॉफल्स। ऑल्सो एग्जिस्टेड ड्यूरिंग रावण टाइम्स, यू जस्ट डोंट नो। जैसे परसों मैंने नहीं एक गाना सुना, दीवाना मैं गाने, दीवाना, श्री राम का मैं दीवाना, ये किसकी बॉलीवुड म्यूजिक क्या है इसका, ओरिजिनल म्यूजिक क्या है, वो नहीं पता क्योंकि मैं निकला मिसल पाव खाने के लिए। गड्डी लेके? अच्छा हाँ, तो मिसल पाव खा रहा था, बाहर से निकला एक बहुत ऐसे अचानक से उस एरिया में लेजर शो होने लगा रैंडमली, फिर देखा तलवारें हैं ये इंडिया में, या ये इंडिया ऐसा बन गया कि कभी भी सॉरी रोड में सॉरी कहीं आई भी मिस्ड लेजर इट, शो हो सकता है, कहीं सॉरी भी हो आई सकता मिस्ड है। इट, आई वाज टेक्सटिंग ऑन द जॉब गाइस सॉरी, बट हां आई मिस्ड इट। क्या था, मैं निकला शाम को 7 बजे मिसल पाव गड्डी खाने के लेके लिए, निकला? अरे हाँ मैं जोक कर दिया मैंने, हो गया निशांत, मैंने बोल दिया वही मैं बोल रहा था, मिस कर दिया मैंने। तो लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिप विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, अरे ये ना पंजाब की खुशबू। जैसे मैंने बताया, एक मीडियम टिकट और दो पाव, जैसे ऑर्डर दिया मिसल पाव आया हाथ में, लेजर शो होने लगा आसपास। आजकल इंडिया में ऐसा होता है, समझ रहा है कैसे? और लेजर शो लाइट के बाद आया साउंड, दीवाना मैं दीवाना, श्री राम का मैं दीवाना। तूने जिस क्वालिटी का ऑर्डर किया होगा उस हिसाब से लेजर शो हुआ होगा। ये एक्स्ट्रा बटर बोलेगा तो लेजर शो में 3 लाइट और चमकेगा। और ये उसके बाद देखिए तलवारें। सॉन्ग इज दिस सॉन्ग दैट इट्स इज इट, मतलब वो ट्यून उससे चुराई है क्या? दीवाना नहीं बस ऐसे ही। ओके दीवाना में दीवाना, दीवाना है देखो राम का वो। बट दीवाना ये वर्ड जो है ये उर्दू ये है ना? ये सही कह रहा है। हाँ दीवाना भी है। हाँ दीवाना तो उर्दू वर्ड है। देखो श्री राम का वो, संभालो कौन है जिसने दोबारा मुल्क के राम को नहीं देखा। वो हम लोग हैं, हम लोग हैं। स्टोरी है वो, सूरपन का स्टोरी तो नहीं है। लेकिन एक चीज का क्रेडिट मैं दूंगा कि सो पहले ये होता था 90s में, इवन लाइक मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000, उसके बाद तो फिर यहाँ आगे कि ये जो भक्ति गीत बनते थे दो टाइप के होते थे, एक होता था नरेंद्र चंचल और अनूप जलोटा टाइप के, और दूसरे होते थे जो कोई भी बॉलीवुड गाने का वो बना देते थे म्यूजिक लेके पैरोडी, वो बेस्ट फ्लेवर ऑफ द सीजन। अभी ऐसा हो गया है कि भाई ओरिजिनल डिकचिक 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 बजता है, टेक्नो होता है। अरे रामनवमी पे अभी मैंने एक वीडियो देखा, लैला में लैला बजा था, लैला वो लैला, वो रईस वाला तो नहीं है इनके, इनका जो कौन है लैला रामनवमी में, लेकिन कोई नहीं बस ऐसे ही डांस करना है। नहीं नहीं मतलब बजी है। अच्छा I mean, नहीं वी आर वे बियॉन्ड की क्यों बजा रहे हैं, बस बजा रहे हैं। ये वही जनता है, अरे वो लीला ओ लीला, राम जी की लीला ऐसा होगा, लीला ओ लीला श्री राम की लीला, मे बी। सॉरी कुछ कह रहा था तू? नहीं मैं बोल रहा था ये वही जनता है जो बोलता है कि अजान सुनने से इनको प्रॉब्लम होता है, मतलब नींद इनका भंग हो जाता है पूरा। हाँ, डिचिक डिचिक में तू लिरिक्स भी नहीं सुन पाता है। इट टुक समवन लाइक मी विद ट्रेन्ड इयर्स टू फिगर आउट द लिरिक्स दीवाना में दीवाना। अबे इतनी घटिया क्वालिटी का होता है ना, मतलब इट इज लाइक दे, मान ले कि तू वैसे ओरिजिनल म्यूजिक कंपोज कर रहा है, बट तू अगर डिसेंट इक्विपमेंट के साथ कंपोज कर रहा है तो मान ले वो तेरा यू नो एक सर्टेन क्वालिटी में, दे एक्चुअली देन गेट इट डाउन टू द लोएस्ट पॉसिबल क्वालिटी की, मतलब मर जाए तू अगर। ये तुझे ऐसा लगता है, तुझे ऐसा लगता है, उनको ऐसा नहीं लगता है। वही मैं कहना चाह रहा था कि आज की डेट में को इंजीनियरिंग कॉलेज फेस्ट से लेकर फैमिली फंक्शन से लेकर ये जो तुम्हारे रिलीजियस फेस्टिवल से सब में टेक्नो हिंदू गाने बज रहे हैं, ठीक है, एच पॉप। हाँ एच पॉप, और जिसमें सबसे पॉपुलर आजकल वो गाना सुना है ना, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। इस बार रमजान और रामनवमी एक ही दिन आया था, एक रमजान एक पूरा महीना होता है रमजान। दिस इज माय इंडिया, शुरू शुरू रमजान का, दिस इज माय इंडिया, और कहीं होता है ऐसा? दिस इज माय इंडिया बस साथ में आता है, मना ही सकते हो। जोक वो वाला जोक है ना
तुमने सुना बहुत ही वो जो कि ऐसे मोदी जी की फोटो और उसमें ऊपर लिखा दिवाली में अली आता है पर जाता नहीं है। मोदी जी की चाली देखो। तो, भाई तो सुनो, तो मैंने ट्वीट किया कि भाई ये क्या मतलब क्या हो रहा है, और फिर कि अगर कोई भी सोसाइटी अगर मतलब प्रोग्रेस करना चाहती है, डेवलप होना चाहती है, तो दे हैव लाइक रिलीजन, गेटिंग मोर रिलीजियस इज नेवर द वे टू बी देयर। और भाई मेरी तो दो दिन से संघियों मतलब मेरा पूरा हिल गया है। अजीब है ना, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में रामनवमी इतना बड़ा था भी नहीं, पब्लिक फेस्टिवल भाई कहीं नहीं था। बंगाल में भी नहीं था। हाँ, ठीक है, बंगाल में तो तेरे को क्लियरली पता है कि कौन। अच्छा तो इसमें एक कॉमेडी है कि महाराष्ट्र में डाउट है क्या कुछ तेरे को? नहीं नहीं, महाराष्ट्र में फिर औरंगाबाद में इन लोगों ने वो सब किया, वो जुलूस लेके गए, वडोदरा में, कलकत्ता में, कहां कहां नहीं किया। तो औरंगाबाद में जो हुआ उस पे संजय राउत ने बोला आपको तो पता है ये सब कौन करवा रहा है, डुप्लीकेट शिवसेना वाले कर रहे हैं सब। ये अपना अलग मटेरियल निकाल रहा है, एक घंटा निकाल के नेटफ्लिक्स पे डाल देगा। संजय राउत का स्टैंड अप पीस मेरे को लगता है उसके पास, आई थिंक रेडी है उसका सेट। डुप्लीकेट शिवसेना वाले ये सब करा है। वो लेकिन क्या मतलब मुझे मतलब लोग बच्चे भी 18-19 साल के रिवॉल्वर घुमा रहे हैं देखा मतलब। बट प्रॉब्लम इज कि देख बच्चों में मतलब तेरे को लगता है कि वो एज में इनको लगता होगा कि वो रिबेलियन का एक्ट है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज जो प्रिविलेज लोग है जो इस बात को एनेबल कर रहे हैं कि हाँ ये तो देखो हिंदू का गुस्सा है, मुझे लगता है उन बच्चों को कोई कंटेक्स्ट या गुस्सा उस्सा कुछ है। जो जा रहा है वहाँ पे बेसिकली देयर इज अ लोकल कॉर्पोरेटर और एमएलए हु इज पेइंग देम, कि यहाँ पे तो मैंने देखा हर रिक्शा वाले के पास में वो भगवा था उस दिन, एंड इट्स बीन ऑन फॉर लाइक 3 डेज, यू कैन सी दैट इट्स बीन वेल ऑर्केस्ट्रेटेड उस जगह में। और वो लोग भर के लेके आते हैं लोगों को, लेकिन वो उनका गुस्सा कहीं और निकलवाते हैं ना वो। मेरे को लगता है वो बच्चे जो लेके निकलते हैं ना उनमें मुसलमान का गुस्सा भी मतलब कोई there is no well lived example of यार मॉब, आप जब मॉब के अंदर होते हो ना तो यू स्टार्ट बिहेविंग वेरी डिफरेंटली, ठीक है। एंड आल्सो लाइक आई मीन फ्रस्ट्रेशन होगा कि मतलब वो नौकरी और उसका ही फ्रस्ट्रेशन होगा, बट वो निकलेगा फिर उस एवेन्यू। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यू हैव टू थिंक मोर अबाउट द एनेबलर्स। तो ये बच्चा शायद फिर भी सुधर जाएगा, 17-18 में तो बेवकूफ तो होते ही है। पर मैं कह रहा हूँ कि कितना कॉमन हो गया ये, मतलब कितना कॉमन हो गया है। और मैं रामनवमी से ज्यादा मतलब ये जो कॉलेज फेस्ट में बज रहा है ये चीज सोच के मैं थोड़ा सा मतलब वो कॉलेज फेस्ट में कहाँ बज रहा है वैसे? भाई मैंने किसी की स्टोरी देखो मैं वैसे किसी आईआईटी का देखा मैंने ट्वीट किया पहले, मैंने इंस्टाग्राम पे किसी लॉ स्कूल का स्टोरी देखा, कोई लॉ स्कूल में उनका फेस्ट चल रहा है और उसमें भारत का बच्चा बज रहा है, सोच लॉ स्कूल में, ठीक है। तो वो लॉयर भी तो वैसे ही निकलते हैं, तू लॉ स्कूल से इतना सरप्राइज क्यों है? लॉयर ऐसे निकलते हैं जो कन्हैया वाले केस में पीटने निकल जाते हैं। तो मतलब ठीक है उसके बाद मैंने वो ट्वीट किया तो उसके नीचे फिर लोगों ने वो करना शुरू किया रिस्पॉन्ड। पहले तो मतलब अपने पहले आप ट्वीट करते हो तो आपके फॉलोअर्स वगैरह करते हैं राइट, तो सब सेम लाइक उस टाइप के अपने। तो उसमें किसी ने फिर वीडियो डाला आईआईटी बॉम्बे का या कहीं का जहाँ पे वो रामनवमी में जोर जोर से गाने बज रहा है, किसी हॉस्टल वगैरह का होगा ये। हाँ वो फेस्ट का नहीं था, वो हॉस्टल का था। बट अरे वो एक आईआईटी का वीडियो हॉस्टल का वो भी तो आ ही चुका था ना, वो बिट्स का बैठ के। अच्छा हाँ मतलब ओके बिट्स का था, ठीक है, सॉरी टू ऑल द आईआईटीएंस, सॉरी टू ऑल द आईआईटीएंस। बट हाँ पर उसके बाद तो फिर ना कहीं से उनको मिल गया, संघियों को मिल गया मेरा ट्वीट। उसके बाद तो उन्होंने मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो दुख बना रहा हूँ ये मैं कोप कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मतलब उनको क्या पता, मैं तो हाँ। मेरी तो जिंदगी चल रही है, मैं तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी वजह से तो मजे आ रहे हैं हमको। बेसिकली अपने जनरेशन में मतलब अभी मैं अंकल वाला लाइन बोल रहा हूँ कि अपने एरा में एक्ट ऑफ रिबेलियन क्या था व्हेन यू आर यंगर टू गो अवे फ्रॉम रिलीजन। अभी वाला मुझे लगता है कि इनके लिए रिबेलियन इज बेसिकली कोऑप्टिंग रिलीजन। भाई आदित्य फॉर द यंगस्टर्स ऑलवेज ऑल ओवर द वर्ल्ड All over the world, all the time, the rebellion was to go away from religion, except during and around the 9/11 time for the Muslim youth. And you see what happened. You see the repercussion of how that, you know. But here, you have to say, what is 9/11? If you say something to someone, then you will say 26/11. Or... You will say thousands of years. सब्जुगेशन इनका बहुत पहले से हो रहा है, रिप्रेस्ड ये है वो
रिलीजियोसिटी है। अच्छा, रिप्रेशन से याद आया, नया पार्लियामेंट देखने गए थे मुडू जी। एक तो सरप्राइज विजिट, क्योंकि अरे सरप्राइज विजिट उनको, उनको वो ड्रोन भेज देते ना, वो ड्रोन भेजता है ना आजकल, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ड्रोन ही भेजते थे, पर वो भोपाल में वो भी किया ना, भोपाल में फिर से एक बच्ची को ऑकवर्डली सर पे टपली मारी इन द वंदे भारत एक्सप्रेस, इसीलिए तो इंदौर में एक मंदिर गिर गया। वंदे भारत इंदौर में एक स्टेयरवेल वो गिर गया, छत गिर गई एक मंदिर की, कई 30-35 लोग मर गए। अबे कैसे, मतलब कैसे, मतलब कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं? ये सवाल नहीं पूछने का, मे बी ये पिछले जन्म का पाप। हाँ, और नहीं तो anyway, ये क्या बात हुई, मतलब दिस इज सच अ स्टूपिड थिंग टू डू। एक तो तुम पहले मस्जिद गिरा के वहां मंदिर गिराओ, साला इतना घटिया बनाओ कि वो खुद गिर जाए, ये क्या है? इसीलिए तो मुझे पार्लियामेंट याद आई, तो मतलब इसीलिए मोदी जी देख रहे हैं पार्लियामेंट बन गया है, सब कुछ हो गया, फिर भी मोदी जी वो हैट पहन के आए। मोदी जी अगर हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने जा रहे हैं तो स्टेथोस्कोप लेके जाएंगे, स्टेथोस्कोप और एप्रन लेके जाते हैं। मोदी जी असली में उनकी जिंदगी एक बहुत बड़ा कॉस्प्ले है, और वो राजा बाबू है मोदी जी, उनको सब बनना, उनको इंजीनियर भी बनना है, उनको डॉक्टर भी बनना है, वो और वो सब बनना है मतलब 4 साल के अंदर, समझ रहे हैं? मतलब बेसिकली यार मैं तो एंटायर पीएचडी करनी है मोदी का, ही स्टोरी है 2 साल में लॉर्ड्स बनना है हमको। अरे मोदी जी पैट्स पहन के नहीं गए मैच देखने, मैं तो इस बात से हैरान था। पर यार मोदी जी को कभी एक सपना है मेरा, दिख नहीं रहा होगा, एक सपना है मेरा कि मोदी जी को कोई मेट गाला है ऐसे किसी में इनवाइट कर ले यार। क्या वो नॉर्मल जाएगा? नॉर्मल जाएंगे, कौन से लेगा उनका आउटफिट? झंडा रहेगा भाई, झंडा मार्क टेलर सीएगा आउटफिट। मेरे यहाँ पे एक टेलर का दुकान है, मैंने पहले भी बोला है, अरे मैं बचपन में रॉस टेलर था नहीं ना, हमारे घर के पास एक टेलर का दुकान था, उसका नाम था मार्क टेलर, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, इट वाज अ गुड पन एक्चुअली। नहीं व्हिच आई एग्री, एंड पर हाँ मोदी जी मतलब, और मुझे लेकिन सरप्राइज इस बात से होता है कि मोदी जी ये सब करते हैं, उनके चाहने वालों के दिखता भी नहीं, मतलब क्यों याद भाई, क्यों तू बनी बनाई बिल्डिंग बन चुकी है, जो बिल्डिंग कम्प्लीटली लाइक रेडी है, जिस बिल्डिंग में टोपी पहन के क्यों जा रहा है भाई? देश को टोपी पहना रखी है, खुद नहीं पहन के जाएंगे क्या? मोदी जी को करना है अपना वो स्पीच ना, ट्विस्ट विद डेस्टिनी का अगले वर्जन 2.2 आएगा अगले साल, लॉन्ग ईयर तक 75 साल पहले हम गुलाम बने थे, हम गुलामी में किसी ने बेवकूफ बनाया था, होगा उनका एक बहुत महान स्पीच, और लेजर शो तो डेफिनेटली आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर ही लगाया होगा लेजर असेंबली। अरे अभी ये नए पार्लियामेंट में क्या होएगा पता है मित्रों? लेजर शो एक तो किसी और टूर्नामेंट का ऐसे ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती है ना किसी और लीग की, वेदर इट्स फुटबॉल। भाई इन्होंने क्या किया तुम देखा आईपीएल की ओपनिंग में? बाय द वे लेजर शो था ना वो? नहीं नहीं, उससे पहले वो रथ यूज किया उन्होंने रिपर्पस, दोनों कैप्टन ने राउंड लिया, पंड्या और धोनी ने एक साथ नहीं, अलग अलग, तो दो रथ थे। और 10 एक एक गंदा जोक मारूं, 10 टीमें 10 रथ होगा। एल्बनीजी का फोटो था उस पे? नहीं वो चेंज कर दिया उसमें टीम को, एक उसका वो बैट भी टूट गया था ना, तो सब रिपेयर करके दिया, अब नया 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 थर्माकोल लगा दिया, डोंट वरी एडम कोलिंस लेके नहीं गया मतलब, ठीक है। और एनीवे तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन ये जो नया पार्लियामेंट है ना, इसमें नया पार्लियामेंट बनाने के बहुत सारे रीजन, उसमें एक रीजन ये कि अब नए पार्लियामेंट में जब भी ऐसे मोदी जी खड़े होंगे ना ऐसे स्पीच वीच देने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जब मोदी जी कोई जिंगर छोड़ेंगे ना, तो पीछे से ऐसे लेजर शो होगा और टाइम होगा, ऑपोजिशन तो होगी नहीं अंदर, ऑपोजिशन के माइक अपने आप म्यूट हो जाएंगे, नहीं म्यूट नहीं होंगे, पुराने जमाने में होता था, अभी ऐसा होगी ऑपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलेगा ना, पीछे से आवाज आएगी बू, वैसा और एक और फीचर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे मोदी जी बोलने के लिए उठेंगे ना, वो पेडिस्टल एक अपने आप से रेज हो जाना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म ऊपर हो जाएगा ऐसे। मुझे यही चीज सबसे खराब लगी पता है, पूरे मुझे सबसे खराब ये चीज लगी कि तुमने देखा क्या, तुमने फोटो देखी क्या? बाय द वे हां मैंने एक फोटो देखी जहां वो ऐसे स्टेयर देख, तो मतलब कैसा दिख रहा है? बेसिकली लाइक हाउस ऑफ कॉमन्स टाइप, इट इज बेसिकली लाइक अ सुपर विलन्स डेन,
लेकिन साला सुपर विलन मोदी जी नहीं है, वो स्पीकर है, क्योंकि स्पीकर के पीछे उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। तो मतलब मुझे दुख इस बात का है कि मोदी जी खड़े होंगे तो भी स्पीकर उनसे बड़ा लगेगा, बड़ा लगेगा। तो बट लेकिन या तो बोल रहा हूं, कोई प्रोविजन हुआ जहां पे एक बटन दबेगा और मोदी जी अपने आप ऐसे लॉन्च होकर ऊपर आएंगे, एम्बैरसिंग चीज याद है हनुमान सिंह, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं तो मुझे याद है कि 9th-10th में जब नया नया आप फिजिक्स करने लगते हो, आपको लगता है फिजिक्स की दुनिया में कुछ अलग हो सकता है, तो मुझे अभी भी याद है कि 3-4 दोस्तों के साथ मैं क्या डिस्कस कर रहा था, उनको पता है हनुमान वाला जो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं हनुमान जब अलग अलग रूप में खुद को लॉन्च कर सकता था ना, तो हनुमान के पैरों में कितनी फोर्स है जिस जो यू नो जो उसको खुद को लॉन्च कर सकती है, तो एस्केप वेलोसिटी, दिस इज क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम बच्चे का क्यूरियोसिटी, इसको आई विल नॉट, मैं हंसूंगा नहीं, दिस इज अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले, वो मूवी वाला चक्की वाला चाइल्ड्स प्ले। तो एनीवे गोइंग बैक टू द पार्लियामेंट, तो एक और चीज मैं चाहता हूं कि जैसे मूवी बैक टू द पार्लियामेंट विच राहुल गांधी कैन नॉट, पर वही है कि जैसे मोदी जी जब भी बोले, मोदी जी जब भी बोलना शुरू कर रहे हैं, राहुल गांधी मेगा फैंस हमको ऑलरेडी बॉयकॉट कर चुके हैं। हाँ क्या क्यों है ना एक दो लोग की तुम लोग, अरे अरे वो था ना, वो मेगा फैन नहीं है, वो ऐसे वैसे है, बट तो लेकिन चीयर लीडर्स होने चाहिए, मोदी जी जब भी बोलना शुरू करते चीयर लीडर्स आईपीएल वाले अपने आप आ जाएं, ठीक है, ऐसा कुछ होता रहना चाहिए, कुछ कुछ मतलब नया पार्लियामेंट है तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ मजा आना चाहिए ना यार। मैं क्या कह रहा था, लेकिन इससे आईपीएल से मुझे एक और चीज याद आई है, तुम लोगों को यह बताया कि जयपुर में वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेडियम बन रहा है, मेरे ख्याल से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा अनिल अग्रवाल, अगर आपका नाम है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकते हो मेरे ख्याल से। स्पेलिंग क्या अग्रवाल की, अनिल अग्रवाल एक बिजनेसमैन भाई, अनिल अग्रवाल कई साउंड्स लाइक इट लाइक एनी अनिल अग्रवाल हर इंडिया के एक शहर में एक बिजनेसमैन है, हर बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में दुकान है जिसको अनिल अग्रवाल चलाता है। मेरा एक अच्छा इससे याद है, मेरा एक क्लासमेट था इंजीनियरिंग का, उसका नाम था यश अग्रवाल, ठीक है, और तू ये नाम से तुझे लगता है ना एक रईसी टपता है, खावी, तो उसने एक बार घर पे बुलाया था हम लोग, आज तक तुझे लाइफ में कोई गरीब अग्रवाल नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं और बहुत सारे अग्रवालों को जानता भी नहीं, तो उसने एक बार घर बुला दिया था। अच्छा तू तो वहां से बड़ा हुआ ना, सॉरी, हम लोग अग्रवालों के बीच में बड़े हुए, सॉरी। हाँ सुन, तो हम ठहरे डोंबिवली वाले, गए ट्रेन पकड़ के, मतलब एक डेढ़ घंटे दूर, ये था एकदम प्रॉपर ऐसे रईसों के एरिया में, बॉम्बे में जो नॉर्थ इंडियंस रहते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्थ इंडियन ज्यादा रहते हैं, बहुत सारे एरिया जैसे पनवेल, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ नॉर्थ, जैसे ये वाले यश अग्रवाल वाले, यश अग्रवाल टाइप की सारे वेस्टर्न लाइन में रहते हैं, वेस्टर्न सबर्ब्स में, गोरेगांव वैसे टाइप के एरिया में, ठीक है, तो गया मुंबई एंड दिल्ली आर लाइक वन कंटीन्यूअस ब्लॉक, मतलब मुंबई में सबब, मुंबई का ये भी है ना कि हर सबर्ब एक शहर की तरह है इन इटसेल्फ, तो गया तो यार ये यश अग्रवाल जैसे नाम वैसे ही घर भी, कांच का, मतलब ऐसे वो रोटेटिंग बुकशेल्फ सब नहीं होता है, ऐसे मैगजीन स्टैंड होता है, पंचजन्य नहीं था, नहीं फैंसी था अभी मुझे याद नहीं है, और मैंगो जूस पिलाने के लिए कोई और आ रहा है, कोई बुला रहा है किसी को, बुला के तीन मैंगो मिल्क शेक लेके आना, वैसे टाइप का, कोई उबर रिच होम वाज दिस, मेरे दिमाग में था अपने साथ कॉलेज में पढ़ता है तो मतलब क्या ही होगा, मतलब यू डोंट प्रोसेस ना वो टाइम पे, तेरा इतना घर गए तो फिर बाद में रियलाइज किया कि तो अनिल अग्रवाल हो सकता है वो उसी का कोई रिश्ता, अभी अभी क्या करता था दोस्त, वो गायब हो गया बाद में, वो उसका स्टोरी भी बहुत एकदम वियर्ड है, वो एकदम वो बहती हवा सा था वो टाइप, गायब हो गया इंजीनियरिंग के खत्म होते ही, ना कहीं ऑनलाइन उसको कोई ट्रेस मिलता है ना वो फोन से
तुमसे वो नहीं क्या सोनम मांग चुप तो नहीं हुई शायद उसको एंड वो स्टोरी का मेरा वही पंचलाइन होने वाला था कि उसका जो बाद में जहाँ गायब हुआ अभी मेरे को पता भी नहीं है कि वो संगी है या नहीं है कुछ नहीं पता सबसे पहला कंसर्न ही कि वो संगी है आजकल मैं बहुत लोगों के बारे में ऐसे इमेजिन करता हूँ स्कूल के फ्रेंड बोला ये हो सकता है कि नहीं संगी होगा नहीं होगा ऐसे दिस इज अ गेम आई प्ले विद माय सेल्फ इंटरनल से संगी और नॉट आदित्य हैज हिज रिच इनर वर्ल्ड पर यार तुम लोग थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ मैं नए पार्लियामेंट पे कि नए पार्लियामेंट में और क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है इस चीज के ऊपर AI स्पीकर आएगा क्या चैट GPT स्पीकर नहीं अबे ओम बिरला AI स्पीकर से काम है मैंने क्या सोचा तुमने तो बोले क्या सना आएगी क्या अरे शिट सीरियसली अच्छा नाम उन्होंने सना क्यों रखा ये मैंने पूछा भी था ये मैंने ट्वीट भी किया था कि सुशीला क्यों नहीं है वाई इज शी सना क्यों एक AI ब्रॉडकास्टर का नाम हिंदू भी नहीं हो सकता क्या इस देश में क्योंकि सेक्युलर कंट्री है ना मतलब वो फेमिनिस्ट भी है तो सना सुधीर का फैंटेसी होगा ऐसे कुछ तो मैं कह रहा था तुम लोगों ने ग्राम नॉर्टन देखा है ग्राम नॉर्टन में उसमें वो होता है जिसमें गेस्ट आता है गेस्ट नहीं मतलब गेस्ट इन द सेंस नॉन सेलिब्रिटी वो उससे कुछ बोलते हैं फिर एक ऐसा होता है एक लिवर वो होता है उनका चेयर पलट जाता है तो ऑपोजिशन के लिए ऐसा होगा पार्लियामेंट में अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा बोला नीचे पसंद नहीं आया नीचे शार्क अच्छा तुझे पता है ना कि वंदे भारत हैज एग्जैक्टली दिस फीचर खंखार जानवर हो गया है क्या वंदे भारत में गिर जाता है आदमी नहीं नहीं गिरता वरता नहीं है पलट जाता है चेयर कैन बी कम्प्लीटली रोटेटेड नॉर्मली अपने एमट्रैक जिसको देसी हाँ. कंपेयर करते हैं एमट्रैक में अगर तेरा सीट इस तरफ फेस कर रहा है तो उसी उसी तरफ फेस कर राइट वंदे भारत में तू घुमा सकता है भाई तो सब अगर इधर उधर बहुत क्योटिक नहीं हो जाएगा हाँ, वंदे भारत है एलिट्स के लिए ना तो जगह बहुत है उसमें इट इज अ फीचर ऑफ द ट्रेन और घुमा के क्या मतलब तू खिड़की की चल देख के तू लोनावाला देख सकता है नहीं वो तो ऐसे करके भी गर्दन घुमा के भी गर्दन घुमाना पड़ेगा ना लेकिन तेरे को गर्दन भी ना घुमा ने मुझे विद स्टेबल यू कैन टर्न अराउंड एक्चुअली ये टर्न अराउंड के साथ तो अच्छा अगर इस तरह बैठा और उस तरह नहीं यार मतलब ओके ऐसा नहीं हो सकता ना क्योंकि अगर तू खिड़की के पास नहीं है तो उस तरफ तेरे बीच में कोई है तो कितने भी टर्न अराउंड कर ले कोई और रहेगा ही लेकिन दूसरी तरफ भी तो खिड़की होगी ना अभी लोनावाला एक ही तरफ है अपेरेंटली मैं तेरे को वीडियो भेजता हूँ उसमें एक वीडियो है वहां पे पर मेरे को एक गुज्जू लड़का है क्यों कर रहे सब ये जर्मनी से रिटर्न है वो उसकी वाइफ है जर्मन इसकी यूटिलिटी क्या है इसकी यूटिलिटी मुझे समझा यूटिलिटी रईस लोग रईस लोग थेपला खाते खाते सॉरी आई मिस दैट बट यस गो अप्लॉज ब्रेक ले वेट कर थोड़ा सा एम्प्लीफाई कर दूंगा एडिट करते थे ऑडियो रईस लोग थेपला खाते खाते बाहर का नजारा देख मैं तुमको वीडियो भेजूंगा तो यू पीपल विल गेट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन सो अच्छा मुझे ये पता कि ये फैसिलिटी हम पार्लियामेंट में ला सकते हैं क्या नए पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स आई थिंक नए पार्लियामेंट देखना तब घूमना खिड़की है नहीं खिड़की की होती पार्लियामेंट में भाई खिड़की से कोई कुछ कर सकता है कोई कुछ कर सकता है बट जैसे क्या क्या अगेन वो मुझे वो याद है पार्क्स एंड रेक का तेरे को वो याद है जब रॉन जॉनसन से कोई आती है एक एक मतलब शहर का कोई ऐसे क्वेश्चन पूछने आता है उसकी चेयर रोटेट घूमता जाता है मोदी जी से कोई सवाल पूछने का तो मोदी जी वैसे घूम सकते हैं एक्चुअली इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सर नए पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हो जाए बट यार मैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा वो हो जाता हूँ इम्प्रेस हो जाता हूँ आदित्य से कहाँ से लाता है ये सब कि वंदे भारत का ट्रेन में सीट घूमता है मतलब तू सोच एक मिनट के लिए गया भी नहीं है और गया भी नहीं है वो बैठा भी नहीं उसकी और उसकी लाइफ क्या जगमा के वो गया मिसल पाव खाने लेजर शुरू हो गया मतलब जस्ट रैंडमली ठेला वाला ही करने लग गया क्या लेजर शो जस्ट बिकॉज इट्स द इन थिंग ब्रो अभी इंडिया में भी सब लेजर सब छोटे छोटे वो रखते हैं सक्सेस चालू हो जाता है चाइनीज वो आते होंगे ऐसे करके प्रोजेक्ट पे जाता होगा वहीं जहां मिलता है वहां पे लेजर शो चालू हो जाता है तो ऐसा है आवाज नहीं आ रही है उसको हां आ रहा है आवाज नहीं आ रही बोल कुछ हां आ रहा है कहां चले जा रहे हो बार बार क्या हो गया भाई सब ठीक है ना नहीं कल निकल रहा हूँ तो बहुत सारा फोन आ रहा है ओ
अनोइंग इतनी रात को 11 बजे कौन फोन करता है, इतने लोग करता है ना, लोगों को लग रहा है आज निकल रहा हूँ तो रास्ते निकल गए जगह हुआ है लोग अच्छा ठीक है एयरपोर्ट के लिए निकल गए ये चलते रहते हैं निकल चुके तो मैं ये कहता कि तेरी लाइफ बहुत वो है यार रिच है तू ऐसे मिसल पाव खाना चाहता है लेजर शो शुरू हो जाता है इंडिया में देखो यही बात है स्टीरियोटाइप कैसा स्टीरियोटाइप अबाउट इंडिया क्या है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन हियर लाइक एन असॉल्ट ऑन योर सेंसेस कलर्स स्मेल्स फील कर रहा है क्या शास्त्री का जो कमेंट्री है वही है इंडिया तो अभी क्या हो रहा था फुल्ली पैक्ड स्टेडियम बिगेस्ट स्टेडियम फुल्ली पैक्ड आज लखनऊ तो भरा नहीं था अरे वो पूरा अहमदाबाद नहीं भरा था देखो अहमदाबाद कभी पूरा नहीं भरता है लेकिन हमेशा पूरा भरा हुआ रहता है दैट इज अहमदाबाद हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाली बात है तुम लोग आते हो दिखता नहीं है दिखता नहीं जो बाकी ये जो खाली एम्प्टी सीट्स है ना वहां पे कौन है पता है वहां कौन बसे हैं स्वयं श्री राम श्री मोदी जी बसते हैं अच्छा ये सुना है ना कि तू अगर राम का नाम लेगा तो हनुमान तुम्हारे पास बसते हैं और वो दिखते रहते हैं तो मैं मोदी का नाम लेकर अमित शाह आ जाएंगे क्या तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खाली सीट में अपने आप नरेंद्र मोदी जी बसते हैं उनका आशीर्वाद जरूर रहता है उनका आशीर्वाद तो अभी चीताओं के साथ भी है अरे वो देखा तो न्यूज देखा विद्दी हाँ न्यूज देखा और मैं मतलब लोग जिस तरीके से कि एबल गाइडेंस ऑफ मोदी जी मोदी जी लोग डोंट सोचते नहीं है क्या लोग तेरे को क्या लगता है चीता तो आंसू पी के बच्चा देता है ना चीतनी जो होती है वो आंसू पी के वो मोर है वो मोर चीतनी जो होती है चीतनी आंसू नहीं पीती है हिंदी में कोई वर्ड है क्या फीमेल चीता को चीतेस नॉट चीटी चीटी तो नहीं होगा चिट्टी नहीं चितेश्वरी चितेश्वरी पूजा सना सना तो यार मोदी जी को मतलब मोदी जी क्या क्या क्रीपी नहीं लग रही थी तुझे सना को देखा तो नहीं भाई हर यही मुझे क्रीपी लगता है सना का चेहरा ऐसे मतलब एकदम एक्सप्रेशनलेस वो है ना अनकैनी वैली मेगन अनकैनी वैली ही क्या रहा है मुझे एग्जैक्टली अनकैनी वैली ही लगा मुझे इसीलिए हमारे सुनने वाले एक बार अनकैनी वैली जरूर गूगल कर लें इट्स अ गुड रैबिट होल टू गो इनटू पर राहुल गांधी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कितना पेटी है ये आदमी राहुल गांधी क्लियर राहुल गांधी नहीं बे राहुल गांधी ने क्या किया बेचारे ने जैसे जैसे तू जब मिसल पाव खाने निकलता है तो लेजर में शुरू होता है ना वैसे ही राहुल गांधी जब ऐसे बाहर निकलता है उसके वो लाफ उसके मतलब वो लाफ ट्रैक चलता है उसके यार हाँ हाँ चाहे वो कुछ भी कर ले तो एनीवे द पॉइंट इज कि मोदी कितना पेटी है हाँ वो तो प्रूव नहीं था मतलब कल इट्स नॉट लाइक दिस पर क्या था कि गुजरात में व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर तो दिस वाज अ नॉर्म लाइक ऑपोजिशन बात-बात पे सस्पेंड हो जाता था उसके अलावा कोई उसकी खुद की पार्टी में उसके अलावा कोई कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में नहीं था ये सब चलता था गुजरात में तो मुझे लगा कि भाई ये सब चीज रेप्लीकेट वो नेशनल स्टेज में करने से थोड़ा शर्माएगा थोड़ा सा कुछ आएगा बट क्लियरली लाइक एक तो ऑब्वियसली दिस इज द न्यू इंडिया बोल्ड इंडिया घर पे घुस के डिस्क्वालीफाई करता है वो ये नहीं कर पाए कि वो मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाना पड़ा तो उसने ऐसे चुन चुन के पीयूष गोयल टाइप के लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जो बेसिकली कैबिनेट रैंक लेने के बाद भी स्टेट मिनिस्टर ज्यादा नहीं जिनकी औकात नहीं कैबिनेट में ही रहे तो बेटर है हाँ एग्जैक्टली और दूसरी तरफ ये सब हरकतें चल रही हैं और ना किसी को फर्क नहीं पड़ता रे किसी को फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता यार तू तो अभी इंडिया में आ जाते क्या कुछ कभी तेरे आसपास कोई बात हो ऐसा किसी को नहीं मेरे को सबसे सैड स्टोरी में बोलता हूँ एवरीवन हैज अ टैक्सी ड्राइवर स्टोरी कैब ड्राइवर वाला तो मेरे पास भी एक है तो मैं एक ट्रिप एयरपोर्ट से वापस आ रहा था घर के पास बहुत गड्ढे थे हमारे यहाँ पे हाईवे के आसपास तो कैब ड्राइवर नहीं कैब ड्राइवर गाली देने लगा बोलता है देखो इतने सारे MLA खरीद लिए रस्ते नहीं बना सकते ये वो मतलब इस देश में सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया AC को भी खरीद लिया मैं बोला यार रविश के साथ क्या हुआ सब बोलने लगा ये तो बोलता है मेरा
फिर मैंने पूछा कहाँ से हुआ, बताए आजमगढ़ से हूँ। फिर एंड में उसने बोला मेरा नाम अहमद है सर। फिर नहीं, और उसने बीच में ये सब भी बोला कि मतलब देखो आप, मतलब मुसलमानों का दिन में कोई मार भी देता है, कोई पूछने वाला कोई है नहीं इस देश में, ऐसा सब बोल रहा था। देखो भाई आपको कोई दिक्कत है मेरे से, मेरा नाम अहमद, आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, बताया। बोला आप तो हिंदू लगते हो, लगते हो शक्ल में बच्चा ना, शक्ल में बच्चा नाम से। तो उसने लिटरली यही बोला कि आपको कोई दिक्कत है मेरे से, मैं तो टैक्सी चला रहा हूँ, आपको आपका घर पहुंचा रहा हूँ, मेरा अपना काम है, ये सब बोलने लगा। बोला बहुत लोगों को, लेकिन आजकल गाड़ी भी नहीं चढ़ते हैं लोग, ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जो मुसलमान है। उबर था, उबर में इनिशियली नाम देखा था ना, उबर का नाम मैंने देखा नहीं, मतलब मैं एयरपोर्ट से जा रहा था और उसने भी कभी कभी होता है ना, मतलब यू आर इन अ हरी तो नाम वाम नहीं देखते, गाड़ी का नंबर पे फोकस करते और चढ़ते। तो ये सब एंड में ना बहुत दुखी होकर घर पहुंचा, ये रात के 12 1 बजे की बात है। जब पहले मेरा होप हुआ पीक, बोला इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, वो भी यूपी से बोल रहा है अपने आप में। बोला यार लगता है परिवर्तन, हाँ लगता है ये वो एक स्टोरी हो सकता है जो मैं बोल सकता हूँ शेखर गुप्ता की तरह, जहाँ से मैं एक्सट्रपोलेट करूंगा कि वो होते हैं ना अंकल लोग जो बोलते हैं बहुत सेक्युलर है, इतना सीट डेफिनेटली आ रहा है कांग्रेस को, वो वाला लाइन बोला। बाद में पता चला कि नहीं यार, एक और हाईलाइट बोलता हूँ मैं अपने ट्रिप का। पिछले हफ्ता था गुड़ी पाड़वा और मेरे घर के पास फोन आया था, बोलते एकनाथ शिंदे। यस वो तो मैं एक्सपेक्टेड था। वो तो तुम्हारा कहाँ जाएगा, उसका तो उसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है ना ना ही कोई एजेंट, एजेंसी भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी काम तो देवेंद्र कर रहा है। मुझे बता कि अंकल जो थे कितने बजे आए थे? एकनाथ अंकल सुबह टाइट 8:30 के करीब टाइट थे कि नहीं थे? और उसमें भी मतलब एक और चीज देखा मैंने गुड़ी पाड़वा के एक दिन पहले भी, मतलब महाराष्ट्र इज अगेन नॉट अ वेरी बिग राम स्टेट, एक गणपति स्टेट है जहाँ पे यूजुअली ये जो गणपति ऐसा ऐसा है इंडिया के हर स्टेट को आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो पाड़वा के एक दिन पहले देयर इज जनरली अ लॉट ऑफ दिस मराठी कल्चरल इवेंट्स दैट गो ऑन The day of Padwa and the day before. उसमें भी राम कथा चल रहा था, पता है, एक दिन पे, और पूरा हॉल भरा हुआ है, and as usual you know who is sponsoring it, बड़े बैनर में लगा हुआ है बीजेपी का सारा स्पॉन्सरशिप विजिबली दिखता है, डुप्लीकेट शिवसेना और देवेंद्र दोनों का, यूपीफिकेशन हो रहा है ये महाराष्ट्र का। बट तूने ये सुना सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने जो बोला इसके बारे में? इम्पोर्टेंट हाँ, नहीं नहीं, गवर्नर के रोल के बारे में सारा ज्ञान सब दिया, बट वर्डिक्ट तो कुछ आया नहीं। हाँ, वो उसने बोला कि गवर्नर्स रिस्पांसिबिलिटी इज टुवर्ड्स एंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, नॉट डिस्टेबलाइजिंग एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो ये तो बहुत साल से हो रहा है ना, चंद्रचूड़ देते रहते हैं कि ये तो अभी चीफ जस्टिस है ना, चंद्रचूड़ बाहर बैठ के देता है इज अ डिफरेंट थिंग, नाउ ही इज द चीफ जस्टिस ऑन एन एक्टिव केस। तो तू जब ये सब बोल चुका है तो देन योर what should be the logical conclusion is that they should be disqualified, right, the 40 of them, but wo nahi ho. Ek minute, India chief justice kon hai? Kon India chief justice? Modi ji. Exactly, theek hai. India ka president kon hai? No but faisla on the spot. India ka president kon hai? Modi ji. Army ka chief kon hai? Modi ji. Mujhe in states ke naam na sunai dete na dikhai dete hai, sunai dete to sirf ek naam, to tu bol raha hai ki तो बोल रहा है चीफ जस्टिस अपना दिल बहलाने के लिए, खुद को थोड़ा ईगो बूस्ट देने के लिए बोल के चला जाता है। ऐसा हुआ है ना, लाइक ओके आई गेट योर पॉइंट कि वो तब मतलब बाहर से बोल रहे थे, बट ही इज ऑलवेज बीन डूइंग दैट, फिर लोग एकदम से चमक जाते हैं, ओह माय गॉड चंद्रचूड़ वाओ। हां वो मुझे जैसे मुझे एक चीज बताओ, जैसे तू फॉर एग्जांपल किरण रिजिजू है, ठीक है, एक मिनट के लिए समझ ले कि तू किरण रिजिजू है, ठीक है, और
हाँ, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ही है ना वो. हाँ, 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 मिनिस्टर कैबिनेट ही है वो, स्पोर्ट्स वोर्ड्स की तरफ नहीं है वो, आई थिंक ऐसा कुछ ही है ना. लॉ लॉ मिनिस्टर है क्या वो? हाँ सब सेम है रे. हाँ लॉ बट तू जैसे ही मतलब राहुल गांधी स्पीच देता है कैम्ब्रिज में और फिर वहां से पूरी कहानी शुरू होती है. हर मिनिस्टर हर दो घंटे में ट्वीट डालता है, हर बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर एक घंटे में ट्वीट डालता है, इंक्लूडिंग सब गोल के ब्रांड एम्बेसडर रविशंकर प्रसाद. हाँ और जैसे जैसे तू देखते जाए तो फ्रीक्वेंसी ट्वीट की, जैसे बेसिकली अमित शाह ने दो दिन में तीन दिन में एक ट्वीट किया, पर जैसे जैसे आप नीचे देता है उनके ट्वीट की रेगुलरिटी बढ़ती जाती है. और तो मुझे ये बता कि क्या इन सबको एक साथ एक ही टाइम पे एक ही थॉट आता है? थॉट टूल किट तो है ही नहीं ना इनके पास. हाँ थॉट्स नहीं है, थॉट्स किसी के पास नहीं है. मतलब ये ऐसा चैट जीपीटी है जिसका जो ट्रेनिंग सेट है वो सिर्फ मोदी जी है इसीलिए. तो तुम कुछ भी सवाल पूछो जवाब वही मिलेगा जो मोदी जी बोलना चाहते हैं बस. तो बेसिकली इस देश में कुछ किसी भी दूसरे इंसान की एजेंसी के बाद एक और मैं ऑनेस्ट सवाल पूछूं, मोदी जी को अपनी कैबिनेट में मिनिस्टरों का नाम पता होगा? अगर मैं रैंडमली उठ के मोदी जी को पूछूं, नहीं पता. एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करना है सर, उनका नाम क्या है पता? अभी अमित शाह ने जाके गुजरात में जाके स्पीच दी कि एजुकेशन पॉलिसी बदलेगी, हम एजुकेशन पॉलिसी इस साल बदल देंगे. तो मैंने उसको ट्वीट करने बोला कि भाई बिना गूगल के मुझे बताओ तो सर इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है कौन? मुझे खुद भी नहीं पता था. मुझे भी वो नहीं, क्या पोखरियाल नहीं है क्या? नहीं है पोखरियाल, देखा नहीं है पोखरियाल कहाँ गया? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को खुद का नाम भी नहीं, उससे भी कभी पूछू बेटा तुम्हारा नाम क्या, तो नरेंद्र मोदी बोलता है वो. ठीक है, तो इसीलिए ये सब मैटर नहीं करता इंडिया में. मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा. अरे जब भी साला फ्लो बनता है थोड़ा सा तुम निकल जाते हो, पूरा फ्लो खराब हो रहा है ये क्या है ये? हाँ. मतलब दिस वाज नॉट इवन अ जेन्युइन टेक इशू. हां मतलब यहां एकदम बिना बोले चले गया और कोई ड्रिंक लेके आ गया, मतलब वेरी गुड. ये क्या क्या करना चाह रहे? बियर बाइसेप्स के कंपटीशन में लस्सी लेग मसल्स बन रहे हैं क्या? चलो हाँ कंटिन्यू कैसे करूँ, भूल गया मैं क्या बोला. धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात कर रहा था कि किसी को पता नहीं कौन है, बट कहना मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ये था हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर. दो मिनट पहले बताया था उसके पहले क्या था? हाँ पहले कुछ भी कपड़ा मंत्री हो क्या पता किसको क्या. कपड़ा मंत्री तो वो थी ना स्मृति ईरानी. बट मुझे से रोनाल्ड रेगन की एक स्टोरी याद आई. तो रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट था तो वो एक इवेंट में गया. दैट इवेंट वॉज ऑल अमेरिकन मेयर्स, ऑल अमेरिकन ब्लैक मेयर्स. सो ऑल द अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्टेड मेयर्स वर इनवाइटेड फॉर अ था इसके पहले. हाँ सॉरी, हाँ ऑल द अफ्रीकन अमेरिकन मेयर्स वर इनवाइटेड टू हैव अ डिनर विद रोनाल्ड रेगन. ठीक है, तो उस इवेंट में रोनाल्ड रेगन जाता है एक मेयर के पास और बोलता है हेलो मिस्टर मेयर, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर सिटी, blah blah blah, ऐसी कोई बात होती. और बाद में कोई आके उसको बताता है कि सर दिस वॉज नॉट अ मेयर, दिस इज द ओनली ब्लैक पर्सन फ्रॉम योर कैबिनेट. वैसे मोदी जी जाते हो कैसे धर्मेंद्र प्रधान के पास? सबसे बुरा तो मुझे कभी भी लगता है मोदी जी किरण रिजिजू के साथ, क्योंकि मोदी जी तो वैसे ही हाउ आर चाइना, टॉक गुड. रिजिजू को भी कभी भी लगता होगा यार ये उन्होंने ये देखा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, देखा उसमें दिखा मैंने उसमें जो वो मोदी जी सेशन देखा क्या तूने? नहीं वो जो अंकलों वाला सेशन, जो बड़े अंकल है मेरे दूसरे कॉन्टेस्ट वाले अंकल नहीं यार, वो जो अंकल फ्लेवर ऑफ द मंथ है वो, अरे वो एक फॉरेन वाले जो अंकल है जयशंकर, सेक्सी जयशंकर. जयशंकर को उसने पूछा कि हाउ इज द पिच फॉर G20 लुकिंग बैक दीज डेज, तो जयशंकर ने बोला इट इज अ लिटिल स्पाइसी लाइक इंदौर. मनोज मुंतशिर जो है लिरिसिस्ट, मनोज मुंतशिर शुक्ला बी रिस्पेक्टफुल, वो उसने ट्वीट किया कि वो मोदी जी से मिला, बोलता 45 मिनट्स की इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग बिना अपॉइंटमेंट के. ऐसे
ऐसी। अब मुझे पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो दिन में 26 घंटे काम करता है उस मुंह उठा के उसको 45 मिनट के लिए मिल गया, मतलब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे बताओ। और कोई किसी को पूछता भी नहीं, किसी को वो भी सवाल नहीं होते। तो जयशंकर ऑफकोर्स देखते, जयशंकर क्या कर रहा है अभी तो भूटान ने चाइना के साथ अपना इश्यूज रिजोल्व कर लिए, विच मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री सिंस भूटान, भूटान इज बेसिकली इंडियन प्रोटेक्टरेट, राइट। वहां से इंडिया का पूरा एक जो रेजिमेंट है वो पीछे जाएगा वापस इंडियन बॉर्डर्स के अंदर, पहली बार हो रहा है क्या। तो जयशंकर, जयशंकर को वाइन करना, गुस्सा होने के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। और उसको मोदी ने बनाया भी इसीलिए कि मोदी जैसे होता है ना, आई एम सॉरी बट बहुत ही क्रूड एग्जांपल बोल रहा हूं, पर ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप अगर थोड़े मीडियम लुकिंग पर्सन हो और आपके बाजू में कोई बहुत ही अगली है तो आप ज्यादा गुड लुकिंग लगोगे, वैसा है मोदी जी के साथ। मोदी जी जयशंकर के साथ चलते तो लोग होते हैं, नाइनटीज बॉलीवुड है, हॉलीवुड में भी, बट मोदी जी और जयशंकर जब चलते तो लोग होते हैं मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ये एक्चुअली मोदी जी की पूरी कैबिनेट इसीलिए। हाँ वो तो है, मोदी जी की सारी अपन आते ये बात कर चुके हैं ना, लाइक जयशंकर इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल मैन, सेकंड गाना है ना कोई ना चाहिए, जो गाना है ना कोई ना कोई चाहिए, तो मोदी जी इज एसआर के एंड रेस्ट ऑफ देम आर जस्ट फ्रेंड्स हु आर देयर जस्ट बिकॉज़ मोदी जी नीड टू लुक गुड, दैट्स इट। मोदी जी रेजिना जॉर्ज है, किसी ने मीन गर्ल्स देखी है तो मोदी जी रेजिना जॉर्ज है। बट अभी एक और न्यूज मैंने देखी कि रशिया चाइना और इंडिया ऐसे रिलेशनशिप्स, मुझे तो चाइना इंडिया कैसे कर सकता है भाई, या तो वेस्ट के अगेंस्ट रशिया चाइना इंडिया खड़े हो रहे, ट्राई सीरीज हो रही है, ट्राई सीरीज क्योंकि इंडिया तो क्वाड्रेंगुलर में भी है ना, सुनो वहां पे इंडिया हर जगह है, बट हिस्टोरिकली जब तीन कंट्रीज अथॉरिटेरियन टेंडेंसी साथ में आती हैं तो क्या ही बुरा हो सकता है यार, कभी कुछ हुआ है क्या, एक्सिस पावर बनते हैं। मैं वही बोलना नहीं चाहता था पर अब तूने बोल दिया है, तो मतलब तू बोल रहा है एक्सिस 2.0 में होंगे हम, 2.0 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, पता है वो दो ही लोग बनाएंगे अल्टीमेटली, नहीं 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 भाव मिलेगा, अरे नहीं हम बेलारूस टाइप के होंगे ना यार, उसमें से बाद में कोई देखे बोला अरे बीवी होता ऐसी में तो सलमान खान भी था वैसा हो जाता है भाई। पर स्पेन भी तो था ना, वैसे दोल्फो और मुसो के साथ मूवी से आया, तुम लोगों ने वो देखी है एक मूवी है शायद जुदाई नाम है उस मूवी का, जिसमें श्रीदेवी अनिल कपूर को बेच देती है उर्मिला मातोंडकर को, दैट इज जुदाई। और उसमें क्या होता है कि उसमें एक मोमेंट है जब बहुत ही वियर्ड कॉन्सेप्ट है, उर्मिला मातोंडकर एक असली में अच्छी औरत है जो पैसे देके खरीद लेती है किसी पति को, पर उसका पति और उसके बच्चे सब खुश है उर्मिला मातोंडकर के साथ अचानक। तो एक सीन है जहाँ पे ऐसा वो श्रीदेवी कैश में खरीदती है बिकॉज श्रीदेवी देन स्लीप्स ऑन दैट कैश, हां एग्जैक्टली, सो शी स्लीपिंग ऑन द कैश और वो वहां पे लोग खुश है सब अपनी फैमिली के साथ। जब मैं पार्लियामेंट का फोटो देख रहा था मोदी जी का तो मुझे वो श्रीदेवी की याद आ गई, क्यों अकेले वहां पे भाई, एक रियलाइजेशन हुआ मुझे बहुत खतरनाक, मोदी श्रीदेवी टॉपिक नहीं, दैट सीन इन ब्रेकिंग बैड वाज कॉपीड फ्रॉम जुदाई, आई थिंक बट मोदी जी ना खाली ये मोदी जी का वेट ड्रीम भी तो यही है, खाली पार्लियामेंट में अकेले, खाली पार्लियामेंट में अकेले मोदी जी, मोदी जी एक्चुअली नहीं, मोदी जी में नार्सिसिज्म है तो मोदी जी खाली पार्लियामेंट में, मोदी जी को क्या चाहिए बता, विद अ फ्यू चिटले पिटले जो मतलब मोदी वो छी भी करेंगे तो टक 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 फिर वो पीटेंगे वो। हाँ मैं नहीं वही तो मैं कह रहा था कि इसीलिए तो कि वो सब होना चाहिए, अप्लॉज होना चाहिए, जैसे ऐसे मोदी जी जब भी खड़े होते ऐसे जैसे साइनफील्ड का जो टिश वाला म्यूजिक बजे ये सब होना चाहिए। पर जो मोदी जी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना लाइफ में बजता कर भी और एंथुसियाज्म मोदी जी के जो पीछे बैठते हैं ना उनके पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो सब वो मोदी वाला मास्क पहन के बैठे, स्पीकर भी मोदी जी का मास्क पहन के बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी जी का मास्क पहन के बैठे, तब तब बने ये देश असली में। और सोने पे सुहागा क्या होगा पता है, मतलब अगर तू ऐसे पैनोरामिक बोल रहा हूँ बर्ड्स आई व्यू देखेगा पार्लियामेंट का, सारे लोग मिलके एक मोदी जी वाला एक फेस बना रहे हैं, मतलब बस फॉर्मेशन भी इस तरह से, वन नेशन वन पर्सन वन फेस। तो इसीलिए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जबकि तो उसके बाद इंडिया टुडे ने ऐसे उसको कवर, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में तूने उसका एडवाइस देखा कि बेनिफिट ले लो, देखा तूने जहाँ पे आदमी जहाँ पे एडवाइस दे रहा है जर्नलिस्ट को ऑन व्हाट दे शुड बी टॉकिंग अबाउट,
एंड देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ क्या बोलते हैं मतलब डिस्गस्ट ऑन एनीबॉडीज फेसेस कि ये लोग जर्नलिस्ट को क्या बता रहा है. द फैक्ट दैट ही वाज इनवाइटेड देयर इज सच अ मतलब अरे मोदी जी ने बोला ना चलिए आपकी दुकान मैं चला देता हूँ. वही मैं बोल रहा हूँ. तो वो उसको उसने ये बोला कि पहले आप लोगों को ये रिपोर्ट करना पड़ता था कि इतने बड़ा कोयले का घोटाला हुआ, इतने रुपयों का घोटाला हुआ, ये पकड़ा गया भ्रष्टाचार. अब तो आप ये बताना आपको पड़ रहा है कि इतना पैसा बचा, इतना भ्रष्टाचारी पकड़ा गया. तो अच्छे न्यूज के भी टीआरपी बटोर सकते हैं, आप इसका फायदा ले लो, बैलेंसिंग के चक्कर में ना पड़ो. ये बोला विश्रम अर्जी बोल रहे बैलेंसिंग के चक्कर में ना, और वहां पे वो ऐसे कर रहा है हाथ जोड़ के. कौन हुआ अरुणपुरी? अरुणपुरी वो आदमी, वो आदमी जो गिरा है ना मेरी नजरों से, अच्छा आदमी है, उसका कोई हिसाब नहीं है. मतलब वो आदमी गिरा मतलब चढ़ा कब था? वो चढ़ा मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसे लगता था मतलब आज से 20-20 साल पहले, कैसे नॉर्मल यू नो जर्नलिस्ट है जो. हां तब तो मैं इतना पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं था. मैं तो जब से हुआ हूं वो गिरा ही हुआ है नीचे. इससे ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे सेवपुरी और दहीपुरी के लिए है. अरुणपुरी ज्यादा, वाह बहुत अच्छी चोक याद रहती है, बहुत बहुत अच्छा चोक. ऐसी जो पार्लियामेंट में भी बोले आप जाइए देखिए डुप्लीकेट शिवसेना ज्वाइन करके. तारक मेहता में बोल ही सकता हूँ ऐसा जो. अरे तारक मेहता से याद आया भाई, अच्छा नए पार्लियामेंट में शोज भी होंगे क्या? तारक मेहता परफॉर्मेंसेस होंगे. थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था मैं. नीता मुकेश अंबानी सेंटर ऑफ कल्चरल आर्ट्स, अभी वही देख के आ रहा हूँ टीवी पे. इंडिया टुडे ने उसपे 15 मिनट का सेगमेंट किया है. कौन कौन आया था वहाँ पे? कम से कम उसमें जेठालाल आया था. याद है यार, कम से कम टीना अंबानी ने मूवीज में एक्टिंग की. नीता अंबानी यहाँ पे कल्चरल, तू सुनना नीता मुकेश के. और उसमें कल्चरल सेंटर में कौन आ रहा है गेस्ट में? मतलब बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार्स थे. निक जोनास भी थे, पर जेठालाल भी था. उनके फैमिली, मेरे को तो लगता है जेठालाल उनकी फैमिली में ऐसे वो स्टैंड अप शोज परफॉर्म करने जाते. मुझे एक्चुअली लगता है कि अंबानी फैमिली ना ऐसे तारक मेहता देखती है. हाँ. और बहुत एंजॉय करती है. अरे हम भी तो ऐसे ही हैं. ये जो एक्टर है ना जेठालाल, पता है ना ये उसमें भी था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में. मतलब ही वाज पार्ट ऑफ द, नहीं मैं बोल रहा हूं फिर भी दिल हिंदुस्तानी का एग्जांपल मैं इसे दे रहा हूं बिकॉज इन दैट like he's a part of Shahrukh's team who's trying to expose this corrupt businessman played by Satish Shah. अच्छा. और कहां से कहां पहुंच गया है इसी. तो ये तो तू वैसी बातें कर रहा है कि परेश रावल उस पे था. यहां पे मैं अभी म्यूट में है तू. There's something I noticed, a lot of people here go back from their hard days work and what they look forward to is Tarak Mehta. यहाँ पे आसपास के लोग, मैं दो तीन लोगों को ये बोलते हुए सुना है. कुछ नहीं, मैं घर आते आते 11 बज जाता है, फिर थोड़ा तारक मेहता देख के सो जाता हूँ. और एक तो दीस थिंग्स, ये तारक मेहता 11 बजे क्यों आ रहा है? तारक मेहता हर मिनट आता है. I know that's the thing, right? कि मतलब they want to make sure कि ये घुसना चाहिए लोगों के, मतलब घुसा दो इसको हमेशा. यही तुमने देखा कि नहीं तारक मेहता, ये बता थोड़ा सा. अरे पता तो करता है कि फ्लेवर ऑफ द सीजन क्या चल रहा है तारक मेहता में. यूट्यूब में देख सकता हूँ ना मैं. अडानी जी है. मैं एक चीज रियलाइज किया है कि मैंने टीवी नहीं देख पाता हूँ मैं, फॉर सम रीजन. मेरे पे टीवी देखने का ये चला गया, पेशेंस चला गया. सो इंडिया में टीवी में आता क्या है वैसे आजकल? देखो पीपल हैव ओटीटी यार. आई नो वी हैव अ स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स यार. हाँ तो वही ना, जैसे डिजिटल इंडिया. यहाँ पे देखो हम नारियल पानी भी जीपे के साथ पीते हैं. नहीं, I genuinely want to know because OTT अगर सब मतलब what is currently going on, जैसे वो जो चैनल है ना अपने कलर्स या I don't even know और क्या क्या है वो सब है, but I don't think मतलब at least cities में तो पब्लिक तो आजकल. हाँ तो how are the channels इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम होता है. मतलब इंडिया is a very fast moving market, you know, tech savvy market. So मतलब लेकिन भोजपुरी कमेंट्री आजकल आने लगा है. IPL का जो फीड है उसमें तुम कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो. यू हैव 7 कैमरास टू. पर मैंने सुना कि पहले दिन जियो वो हो गया, मतलब तो खराब ही चलता है. उसको सर्विस गिर गया पहले ही दिन, लोग मैनेज ही नहीं कर पाए. और तुम भोजपुरी कमेंट्री में रवि किशन को सुन सकते हो. यार मतलब यही तो होती है ना, ड्रीम नहीं है तेरा, तेरे लाइफ का ड्रीम नहीं था. मेरा तो ड्रीम ही है लिटरली डिज्नी से हटा के तुमने जियो को दे. मेरा तो ड्रीम ही है, मतलब
कि मुझे भोजपुरी में पंजाबी में भोजपुरी में रवि किशन के मुंह से तू क्रिकेट कमेंट्री सुनेगा, ये तेरा ड्रीम ई गई बा। रवि किशन इज आल्सो एन एक्टिव एमपी नो एमपी ऑफ कोर्स। गौतम गंभीर बैठा हुआ है अभी वहां पे जाके देख ले। रवि किशन ने रिसेंटली बोला ना कि मेरे चार बच्चे हैं वो कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए। नहीं सुना? हां सुना था। नहीं आई एम जस्ट मतलब देख one case falling through the crack वाली भी एक बात होती है ना, but India में people are actively doing this and nobody even questions them. But you tell me, ये कैसे तू fault कर सकता है एक पार्टी को जब हर कोई इस देश में बीजेपी ही join करने वाला है eventually, right? So anywhere anybody who is employed is going to be part of BJP. I mean, अभी तो मैं बीजेपी को भी ब्लेम नहीं करता, मैं मोदी को ब्लेम करता, लोग ही हैं भाई। क्या करोगे? अच्छा एक बात बता देते, देखो अभी तक ऐसा कोई व्हाट्सएप आया क्या कि देखो क्या हुआ 10 साल में गांधियों को घर से बेघर कर दिया, इस टाइप का कुछ आया कि नहीं? नहीं भाई, क्योंकि काफी अच्छा पंच लाइन उन लोगों के हिसाब से, राइट, कि देखो बेघर हो। अच्छा नीता अंबानी से याद आया, तो हम बात कर रहे थे क्रिंज वर्दीनेस ऑफ दैट इवेंट एंड ऑल ऑफ दैट। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज NCPA है ना, National Center for Performing Arts, which was Tata's का established, पुराना establishment, वो पृथ्वी थिएटर, I think Reliance wants to do basically Modi to Lords equivalent of नीताजी का ये pet project, नीताजी को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, नीताजी को पसंद है, but what they want to do is like performing arts school, मुकेश भाई को arts और आटा में भी फर्क नहीं पता, फर्क नहीं पता है, तो वो जो हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, thread loose कर गया मैं, उसके पहले क्या बोल रहा था, cringe नीता अंबानी नाची, इट सीम्स शी परफॉर्म टू अपने आर्ट सेंटर में, यही तो इंडिया का मतलब खूबी है आज, सब तुम्हारे नाम की चीज में तुम ही जाओ, तो वहां पे शी परफॉर्म टू सुन 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 अभी मैं तेरे को अभी कैसे पलटेगा देख, लेफ्ट से आके राइट से निकलेगा तू, तो लेफ्ट से कहाँ है मैं वेट कर, वेट कर, तेरा हमदर्दी हर तरफ से निकलेगा, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, तो शी परफॉर्म टू रघुपति राघव राजाराम, ऑफ कोर्स, सो ईश्वर वाला तेरा नाम लाइन काट दी उन्होंने, नहीं अच्छा रखी थी उसमें बिना चीज, अब यूट्यूब पे उसका एक क्लिप आया था और उसके तो कमेंट सेक्शन में जाएगा रिप्लाईज में, पूरा एक ही लाइन पे चल रहा है, सारे भक्त आगे बोल रहे हैं व्हाई डिड यू डांस टू दिस सॉन्ग, इसका ओरिजिनल वर्जन कुछ और है, ये तो गांधी ने इसको डुप्लीकेट वर्जन बनाया था, जबरदस्ती अल्लाह को ठोसा था इसमें, तो आई एम अशेम्ड ऑफ गांधी ब्रिटिश इंडिया का अनु मलिक था। बोल दिया कि मतलब ओरिजिनल का लिरिक्स कुछ और है। इस चीज पे लोग गुस्सा है कि लोग ऐसी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाला लिरिक्स वाला रघुपति राघव राधाराम चूज किया, और इस सब के बाद में तुझे एम्पथाइज करना पड़ेगा नीता अंबानी के साथ, मतलब ये देश कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था अभी बीच में, अगेन बिकॉज आई एम करेंटली वॉचिंग व्हाइट लोटस सीजन 2, आई थॉट तारक मेहता बोल रहा है, राहुल गांधी को क्या पड़ी है, why can't he go back to his Italy and live in fucking Sicily, like just relax and spend his life there, what the fuck is, why the fuck is he banging his head against a wall, acri pasta mamma mia। अभी यार सबको लगता है ना, मतलब रियल बात तो यही है ना कि पावर इज the high of power is like nothing else, so yeah, it's not that easy to give up, but भाई कई मतलब तुम लोगों को कैसा लगता है कि इतना मतलब कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे न्यूज लॉन्ड्री के भी पॉडकास्ट में किसी ने ये बोला कि बीजेपी वाले राहुल गांधी को पॉलिटिशियन बना के ही छोड़ेंगे। ये उसने बोला, शायद ने बोला शायद, हां तुम लोगों को ऐसा कोई फीलिंग आ रहा है क्या, मतलब नॉट कि वो पॉलिटिशियन बनेंगे नहीं, because I think he's a decent human being and he's a good person, and it's just that ki India is not ready for something, not decent. India is a different country, yeah, so it's like ki tum Christopher Nolan ko bolo ki bhai Tarak Mehta ka ek episode direct karega, waisa wala baat hai. Nahi, it is like basically it is also like Indian cricket mein Morgan nahi ban sakta India ka captain ya coach. मैंने जो एग्जांपल दिया वो पब्लिक को ज्यादा समझ आएगा, तेरा एग्जांपल तू मुझे बता जल्दी से। पब्लिक क्रिकेट लविंग नहीं है इंडिया का, क्रिकेट इज अ रिलीजन नहीं है,
बट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी तो क्या लगता है, कुछ कुछ भी फील क्या, अच्छा मतलब कि तो क्यों मीडिया भी कवर करेगा नहीं, वो बेचारा का रह कहाँ रहा है आजकल वैसे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या उसको? एयरबीएनबी किया हुआ उसने, लोग अभी ट्विटर पे चल रहे राहुल गांधी स्टेट माय हाउस माय होम इज एम्प्टी। मैं सोच रहा था मतलब क्यों लगता है कि उसके पास घर नहीं है रहने के लिए? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म। उसको प्रॉब्लम ये भी है ना कि नौटंकी भी थोड़ा कम आता है, इज नॉट रियली गुड एट द आर्ट ऑफ नौटंकी। केजरीवाल को देखो, अनपढ़ अनपढ़ बोल के आ गया वो प्रधानमंत्री। वो कैसे पलटा देखा वो, चार पांच दिन से भ्रष्टाचारी सब बोल दिया उसने, अडानी का पैसा, मोदी का पैसा, मोदी जी नहीं बोल रहा है, मोदी का पैसा जिसे पता नहीं। और केजरीवाल जब ऐसा कुछ करता है मुझे लगता है हवा में कुछ कुछ ने पढ़ लिया है, बंदा पढ़ लेता है हवा में कुछ कुछ तो वो पढ़ वढ़ नहीं लिया है, उसको भी लग गया है कि देखो इतने दिन तो उनको लगता था कि they can go soft and escape this people, अब देखा कि हैंडसम और वो फंस गया अभी तो ये लोग भी इम्यून है नहीं। केजरीवाल सोचे, केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया भगत सिंह है, अरे वो तो मर जाएगा देश के लिए, मार दो उसको। क्या बोल रहा है भाई तू, पूछ तो ले दो मिनट मेरे से, जेल में हूँ मैं। ऐसा भी कुछ बोल रहा है अभी, वो अगले हफ्ते कुछ और भी बोल सकता है, मतलब ही इज सच अ इलास्टिक पर्सनैलिटी। अगेन ना ये अनफॉर्चुनेटली करंट सिनेरियो इन इंडिया इज कि लोग इसको शूट पॉलिटिशियन बोलेंगे कि ही इज बेसिकली डूइंग कि थोड़ा सेंसेशनलाइज करेगा तो उसको जनता से भी माइलेज मिलेगा, मीडिया से भी माइलेज मिलेगा। और अभी मैं बोल रहा हूं कि ये जो अडानी वाला जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछा था, ये राहुल गांधी ने सेम क्वेश्चंस रेज किया था महीने भर पहले, बट देन द नैरेटिव इज कि शूट पॉलिटिशियन केजरीवाल, अभी वो यही सवाल वो दो हफ्ते और एक और इंटरव्यू में बोल देगा तो लोग बोलेंगे क्या मस्त सवाल पूछा है उसने। पब्लिक परसेप्शन भी है ना, पब्लिक वुड रादर बाय द आईडिया बिकॉज़ पब्लिक हैड इन्वेस्टेड इन दिस आईडिया दैट राहुल गांधी इज पप्पू, राइट? केजरीवाल के पास वो बैगेज नहीं है तो पीपल विल सस्पेंड देयर डिसबिलीव व्हेन इट कम्स टू केजरीवाल मोर इजीली देन इन केस ऑफ कुछ भी। मेरे को तो पब्लिक पे भी मतलब पब्लिक परसेप्शन पे भी भरोसा नहीं, क्योंकि यार तू रियलिस्टिकली देख जैसे बीजेपी का एक परसेप्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पार्टी, मोदी जी सबसे 56 इंच व्हाटएवर क्या हर तरह। अब पंजाब में क्या शुरू हो गया है, ये इतने सालों से तो नहीं चल रहा, तभी क्या चल रहा है ये सब हो तो अभी बीजेपी के राज में रहे, पब्लिक को ये नहीं दिखता अभी। अभी उसका भी लॉजिकली क्या खत्म होगा कि देवेंद्र सिंह उसका वो अमृतपाल बेसिकली ये है कि उसको भी एक मोमेंट चाहिए, मैगी जी को भी, मैगी जी को सारा हिस्टोरिकल मोमेंट्स रिक्रिएट भी करना है ना, समझ रहा है ना? पब्लिक ऐसे एट द कॉस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी सब कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब को पब्लिक ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे अमृतपाल से वो हो गया होगा, उनको सच में लग रहा होगा पता नहीं ये कुछ कुछ लेजिटिमेट बनता है और फिर पता चला अमृतपाल खा रहा है वहां छोले भटूरे खा के कहीं बैठा हुआ है। आई कैन नॉट गिव यू द कीज, यू नो आई कैन नॉट गिव यू द कीज, गेट आउट फॉर लास्ट वाला सीन वो अमृतपाल है तो बेसिकली वो होगा ही, उनको सारा मोमेंट रिक्रिएट करना है। इसमें कौन सा मोमेंट रिक्रिएट होगा, जो जर्नल से भी करना है क्या? हाँ, सभी कुछ करना है, सभी कुछ करना है, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्विस्ट विद डेस्टिनी करके सीधे जाके ऑपरेशन ब्लू स्टार। मोदी जी के लाइफ का कमेंट्री रवि शास्त्री तो दे रहा है, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। और जाते जाते एक और चीज की बात करना चाहूंगा मैं कि जब तुम वो होते हो ना, जब तुम्हारे पास कुछ, तुम एक एम्प्टी शेल होते हो ना और तुम आते हो इस दुनिया में बिना जाने कि दुनिया तुम्हें कहाँ ले जाएगी, तो दुनिया तुम्हें कहीं और ही ले जाती है।
मैं जानता हूँ कि सुनने वाला कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जाबी कोहे अब वीडियोस कर रहा है कि हाउ इंडिया इज किकिंग चाइनाज एस, उस पे उन वीडियोस का रिव्यू कर रहा है। तो मतलब क्या पता 2 साल बाद हम भी उसी को सिस्टम का हिस्सा बने। हमारे थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं ये सोचता हूँ 2 साल बाद क्या पता जाबी को वो बोलेगी guys guys I'm going to join BJP। You never know कि जाबी को शाखा के अंदर से लाइव व्लॉग्स करता रहेगा, कोई शाखा से इनवाइट आएगा HSS के शाखा से और जाबी को वहां से ब्लॉग में दिखा रहा है। It's an interesting bit of exercise going on here। शास्त्रीय कमेंट्स मेरे को कि हर्षा भोगले के यार एक्चुअली वो करेगा, रिव्यू कर सकता है वो शाखा की वीडियो को। ओह माय गॉड सो एथलेटिक। मेरे दिमाग में इसका कमेंट्री शास्त्री नहीं आया, भोगले आया। Such a marvelous, wonderful piece of exercise. ये तो the agility, तने तिवारी। हाँ। जूनियर भोगले। वो नहीं दिख रहा आजकल उसमें, छोड़ दिया गया। तो बहुत लोग आ गए हैं ना क्रिक बस। अच्छा, नहीं मतलब वो कहीं ऐसा तो नहीं, वो लिब्बू तो नहीं है? नहीं नहीं, लिब्बू नहीं होते यार इंडिया में, गलती से कोई लिब्बू नहीं पैदा होता। इंडिया में पहले हर कोई संगी पैदा होता, फिर वो एक्समैन में होता है ना, ऐसे म्यूटेंट है वो, तुमको पता होता है, तुम छुपे रहते हो, फिर बाद में सारे म्यूटेंटों को एक दूसरे का फिर पता लगता है, फिर जाके वो एग्रीगेट होते हैं। यही है स्टोरी इंडिया की, इंडिया में जो लिब्बू है वो म्यूटेंट है, एक्समैन है। भाई जाते जाते मैं एक बात बोलूंगा कि मैंने अभी वो वीडियो देखा जिसमें वो बच्ची जो भोपाल में वंदे भारत में मोदी से बात कर रही है, और उस बच्ची के चेहरे पे जो डर है ना, वो डर देख के मैं डर गया हूँ। पर ऑल्सो पता है ऐसा कर देता है ना, मतलब इतना लाइक, अब मोदी जो बोला है तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, वो तो छोटे से बच्चे को जब ऐसे, वो बच्चा तो लाइफ के लिए बीजेपी का सपोर्टर बन गया, वो बच्चे को तुम कुछ नहीं चाहिए, वो तो है ही ना, मतलब। एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि द वे पॉप कल्चर इज सीप्ड इन। अभी तू ये सोच कि अगर कॉलेज फेस्ट में ये सब गाना बज रहा है और जगह जगह ये सब बातें हो रही, तो हाउ डू यू थिंक कि अ किड विल बिकम लिबरल, या लिबरल थॉट विल कम इनटू देम? रिव्यू करना है क्या ये? नहीं नहीं, रिव्यू करने के लिए नहीं, तुम लोग देख लो, लोगों को देखना था ना सीट कैसे पलटता है वंदे भारत में। पहली चीज तो कि वो कौन सा मोमेंट था लाइफ में जब तुमने बोला कि आज यूट्यूब में टाइप करेगा वंदे भारत? पिछली बार जब हम लोग वो वीडियो सुन रहे थे ना, ग्लोरी ग्लोरी वंदे भारत, उस दिन दूसरी चीज में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जर्मन अब भाई यूटिलिटी क्या है, क्या है यूटिलिटी ना भाई? यूटिलिटी इस देश में यूटिलिटी से सब कोई मतलब नहीं है, फील वाइब्स का देश है। जब तक भाई उससे याद आया ये गंगा विलास क्रूज का क्या हुआ? ओ हाँ, वेरी किसी ने तो उसका भी ब्लॉग डाला है, मैं वो भी दे सकता हूँ। तूने वो भी सर्च बार में डाला अपने गंगा विलास क्रूज? तू वंदे भारत देखेगा तो रेकमेंड होता है क्या तेरा यूट्यूब का एल्गो क्या खतरनाक होगा सीरियसली? मैं साथ में मैं अच्छा कंटेंट भी देखता हूँ ना, लिबरल बहुत लेफ्ट ऑफ सेंटर कंटेंट भी देखता हूँ। इंडिया से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखो, एटलीस्ट यूएस में यूट्यूब में, तो नहीं कोई भी कंटेंट अगर मैं ढूंढ के भी देखो ना, तो उसका जो इंडिया से रिलेटेड सजेशंस आते हैं ना, वो सब राइट विंग होते हैं। मेरे को सिर्फ इंडिया का राइट विंग नहीं, मेरे को यूएस का राइट कंटेंट भी आता है। माय गॉड, वो तो मेरे को जो रोगन आता है, मतलब सारा फॉक्स न्यूज का एक तो ये रिकमेंडेशंस होता है, एल्गोरिथम इतना ब्रोकन है, मतलब मैं शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करते करते जितनी बार जो रोगन दिखाया मुझे, आई डोंट इवन नो इफ इट वाज हिज चैनल और समबडी एल्सस चैनल, आई हैव डिसलाइक्ड इट एंड आल्सो सेड डू नॉट रिकमेंड। हां, बट जो रोगन लेकिन आता ही है तेरे इस फील्ड में। हां, और फॉरगेट अबाउट जो रोगन, रैंडमली भाई एडल्ट वेबसाइट्स के ऐड आने लग गए हैं YouTube शॉर्ट्स पे, मतलब ऑल दे हैव डन इज, व्हाट दे हैव डन इज कि वो स्माइली वाली लगा के इट्स सेंसर्ड, सो देयर इज नो, टेक्निकली देयर इज नो न्यूडिटी इन देयर,
हाँ, और उसका टाइटल भी बहुत क्लिकबेटी टाइप का रहेगा, जैसे कुछ तो भी क्लिकबेटी एज इन नॉट इन अ सेक्सुअल वे बट रैंडम थिंग्स कि मोदी जी बेंचेस 180 केजी ऐसा, मतलब क्लिक करूंगा ही करूंगा, देखना पड़ेगा ही मुझे उसका हर इक्विवेलेंट। मैंने उसका हॉलीवुड इक्विवेलेंट भी देखा है कि ये कौन है यार, ये अपना बॉस्टन डोनाल्ड ट्रंप शूट्स टू गन्स एट वन टाइम, ये लो बैनर कुछ और सीक्रेट सीक्रेट हाइड आउट ऐसा कुछ तो रहेगा, और फिर मतलब उसमें ऐश्वर्या राय सी मतलब एंड अभिषेक कॉन्टन नॉट ऑन गुड, मतलब इस टाइप के वो रहेंगे एंड तो जितने भी बार उसको नॉट रिकमेंड करो वो आ ही जाता है, तो आई एम प्रीटी श्योर वो YouTube भी शायद पैसा लेगा। ट्विटर जैसी हाल है, ट्विटर में भी किसी ट्वीट पे बोल दो कि डोंट, आज से वो स्टार्ट हुआ ना कि यू हैव टू पे फॉर, आज से हुआ है कि कब हुआ है, तो वो आई थिंक आज से वो स्टार्ट हुआ है और 15 तारीख से वो चला जाएगा, 15 तारीख से सबके अभी वेरिफिकेशन गए नहीं है ऑलरेडी पोप फ्रांसिस का। जाते जाते मैं एक ट्विटर रेंट भी कर लूं, दो अलग अलग मोड के गाने हैं ना। एक बात बता कि तेरा मन अगर हम में सुनने का हो रहा है तो तेरे बाजू में कोई कुन फाया कुन बजाएगा तो तू सुनेगा, मतलब जो मान ले कि तू सैड है या तू सोमवार उसमें चाहता है तो तू हम नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता है ना, तो मेरे को वो नहीं समझ आता है, मुझे लगता है कि ये मिसमैच है ना। मेरा इसमें एक ही थॉट प्रोसेस है कि ये करो तुम लोग, अब बाकी जो चीज करो उससे तो बेटर है, तो बेटर ये ही करो, इसमें करो, इसमें लड़ो, ये दुनिया चलेगा मेरे को, लड़ो इसको लेके। अरे प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ एक लिब्बू साइड ही लड़ती रहती है, मतलब राइट विंग को थोड़ी इसमें ये राइट विंग बोल रहा है ये रहमान के गानों पे क्यों चल रहा है, उदित नारायण के गानों पे करो, उदित नारायण दूसरी नहीं देख पाएगा कल तो लोग ऐसे, मतलब ये कैसे तुमने ये गाना चुन लिया, छैया छैया को क्यों नहीं चुना, अर्जिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है, किसी ने ऐसे लिख दिया ये गाने कैसे चुन लिया, रंगीला के गाने क्यों नहीं चुने, यार दो ही गाने हैं क्या दुनिया में, मतलब नहीं यार उसमें एक तो जिसको मैंने क्यूटी दो को क्यूटी किया था, मैंने एक तो यही वाला कुन फाया कुन था, मैंने बोला भाई ये क्या है, मतलब कुछ भी रैंडम एप्पल स्टोर ऑरेंजेस कंपेयर करके, बट एक तो मैं जनरली बोलूंगा उसने कोई तो एक सड़ा सा गाना ले लिया था लिटरली, मतलब दैट वाज ऑब्जेक्टिवली नॉट अ गुड सॉन्ग, कुछ तो ऐसा था कि क्या ताल ताल वर्सेस टेलीफोन में नहीं ताल से ताल मिला, नहीं नहीं ताल वर्सेस वो था इश्क बिना वर्सेस अगर तुम साथ हो ऐसा कुछ, तो पहली चीज तो कि ये एक चीज मुझे क्लियर हो गई है कि अब ये सब लोग वो हैं जो मतलब ऐसे 2000 अरे एंगेजमेंट, हाँ वो भी वो तो है ही है, पर ये 19-20 साल के बच्चे हैं। हाँ 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 भाई, किसी ने वो गाना जो है, तुझे याद है एक मूवी आई थी लकी नो टाइम फॉर लव सलमान खान की, तो भाई उस वो एक और उसमें एक और गाना है इसी टाइप के कोई गाना जो अब मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, रिचु पुके से कि मैं रिया को समा, भाई बहुत सही साउंड ट्रैक था उसका अदनान साहब, हां हां साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था उस गाने का, और एक और गाना है वो मैं तेरे को बताऊंगा, वो भी बहुत फेमस गाना इसी मूवी का है, वो भी वो नहीं है अजनबी सा, हां वो भी नहीं, कोई एक चौथा गाना है, बट एनीवे तो ना वो गाने कहीं मैंने से देखा, उसमें किसी का कमेंट देखा ना, कमेंट ये था कि सच विंटेज क्लासिक सॉन्ग्स वर मेड इन ओल्ड बॉलीवुड, विंटेज क्लासिक मेरी फट के हाथ में आ गई, मैंने क्या बोल रहा है भाई तू विंटेज क्लासिक बोल रहा है इसको, तो सोचना तो उनके लिए गाना उतना ही पुराना है जैसे मिले होगा फॉर समच लेट 80s का या मिड 80s का कोई गाना, अर्ली 80s का, अर्ली 80s का वैसे ही है ना, बेसिकली 17 साल का अभी वो, अभी मैं यही तो सोच रहा था कि साला मतलब अगले साल अंदाज अपना अपना वो 30 साल हो जाएंगे, 30 साल समझ तो 30 साल भाई अंदाज अपना अपना फिर भी फील्स ओल्ड, इट फील्स ओल्ड, अभी मैं वो हैजर्ड एज वेल देख रहा था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को 15 साल हो रहे हैं, 15 साल मतलब इट्स लाइक स्टाइलिस्टिकली विजुअली इट डजंट फील दैट ओल्ड, फिर भी चले उसी नोट पे फॉर वंस हम लोग डिप्रेसिंग नोट पे एंड करते हैं। अरे एक और एक पॉजिटिव लास्ट न्यूज भी है मेरी, पॉजिटिव मतलब स्लाइटली आई डोंट नो, कर्नाटका इलेक्शन के एग्जिट पोल आए, ऐसा लग रहा है कि ओपिनियन पोल जो भी पोल होते हैं ओपिनियन पोल सॉरी कि मतलब कांग्रेस मार रही है, हां कांग्रेस मार रही है, क्या हो रहा है, माही मार रहा है व्हाट, क्योंकि अपेरेंटली जो करंट चीफ मिनिस्टर जो है ही इज नॉट वेरी पॉपुलर
कर्नाटका में, मतलब ऐसा हो गया ना कि आप ऐसे नेक टू नेक वाली बैटल नहीं जीत सकते, बिकॉज़ अदर मतलब बिकॉज़ आफ्टर दैट दे विल एंड अप, यू हैव टू हैव मतलब इफ यू हैव टू विन बिग यू हैव टू विन बिग, नेटर रेट के साथ तुमको जीतना पड़ेगा। हां वही, वरना वो ले जाता है, वो जो बोनस पॉइंट जो है वो अमित भाई ले जाते हैं। जैसे वो किसने बोला था ना, डिपेंडिंग नोट पे ना, जैसे बोला था किसने बोला था कि दे में हैव एनीथिंग, वी हैव अमित शाह, अमित शाह ये इसने बोला था, राम माधव, राम माधव उसके शो में, यही डेमोक्रेसी है, नविका के शो में। और नविका के घर की शादी देंगे कि नहीं? आजकल तो लेकिन सिर्फ एमएलए नहीं खरीदते हैं, आजकल तो डुप्लीकेट पार्टी भी बना देते हैं, सिम क्लोन का फीचर आ गया अभी। यार तू ये बोल रहा है सब कुछ, लाइक अभी जुडिशरी से लेके पुलिस से लेके मिलिट्री से लेके सब कुछ वही है, जैसे अपन ऐसे हिंदुइज्म को बोलते हैं कि ऐसे मतलब मल्टीपल गॉड्स, बट सबसे ज्यादा मोनोथिस्टिक तो अपन ही है, मोदी थीस्टिक, सॉरी मोदी थीस्ट। ऑन दैट नोट, मोदी गमी, मोदेश्वर, जय श्री राम। चलिए वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा, चाहे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो डाल दूंगा। एंड तो कर दो, एंड नहीं हुआ शायद। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से। Thank you, Minister, के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, अरे ये ना पंजाब की खुशबू।